नमस्कार दोस्तों, आप सीके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जेंट स्वेटर बनाएंगे। इसके लिए हम 10 नंबर की सिलाई में 100 फंदे डालेंगे। तो फंदे हम नॉर्मल डालेंगे और इसके लिए हम धागे को ऐसे डबल कर लेंगे। एक लंबा धागा लेंगे, उसको डबल कर लेंगे तरफ। डबल धागे को हम दाहिने हाथ की तरफ लेंगे और अब इसके ऊपर ऐसे सिलाई रखेंगे। हाथ को इसके नीचे ले जाएंगे, एक ऐसे लूप बनाएंगे और सिलाई में ऐसे डालेंगे। अब बाएं हाथ की सिलाई में जिधर ये सिंगल धागा है, उसको ऐसे इसके ऊपर चढ़ाएंगे और पलट देंगे और इसे खींच देंगे। ये हमारा एक फंदा बन गया। फिर हम ऐसे इसके नीचे ऐसे हाथ लगाएंगे, उंगली को घुमाएंगे और सिलाई में ऐसे एक लूप डालेंगे। बाएं हाथ के फंदे को इसके बाएं हाथ के धागे को इसके ऊपर चढ़ाएंगे और इसे ऐसे पलट देंगे। ये हमारा दूसरा फंदा बन गया। ऐसे ही करते हुए हम 100 फंदे डाल देंगे। और 100 फंदे डालने के बाद 100 फंदे डालने के बाद ऐसे पहला फंदा या तो बुने या फिर स्लिप कर लें, या तो ऐसे सीधा बुन लें या फिर स्लिप कर लें। अगले फंदे को उल्टा, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर उल्टा। तो एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड रो और रॉन्ग साइड, तो पहला फंदा सीधा बुनेंगे या स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर नेक्स्ट सीधा फंदा है तो इसे सीधा बुनेंगे और उल्टे पे उल्टा। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, जो सीधा है उसे सीधा बुनेंगे और जो उल्टा है उसे उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें सामने से भी एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनना है और रॉन्ग साइड से भी एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनना है। तो इस तरह हम सीधा उल्टा बुनते हुए कम से कम 2.5 इंच तक का बॉर्डर बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बॉर्डर तैयार हो गया है और इसकी चौड़ाई देखिए 2.5 इंच बन के तैयार हो गई है। तो 2.5 इंच कंप्लीट करने के बाद अब हम सिलाई बदल लेंगे। अब हमें 10 फंदा बढ़ाना है, तो बैक साइड में हम 10 फंदा बढ़ाएंगे और फ्रंट वाले साइड में, बॉर्डर तैयार हो जाने के बाद फ्रंट वाले साइड में हम 11 फंदा बढ़ाएंगे। यानी कि अगर हमें वी गला बनाना है स्वेटर में, अगर हमें वी गला बनाना है तो हमें 8 नंबर में फंदे चाहिए। तो पीछे की साइड में आप 10 फंदे बढ़ाएंगे और फ्रंट वाले साइड में 11 फंदे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम फंदे बढ़ाते हैं। तो पहले फंदे में हम ऐसे स्लिप कर लेंगे और अगला फंदा देखिए, अब हमें पूरी लाइन सीधी ही बुननी है। अब सीधा उल्टा करके नहीं बुनना है, सभी फंदे सीधे बुनने हैं। तो अगला फंदा देखिए, ये उल्टा है, तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है फंदा ऐसे उल्टे फंदे का, ये सिरा उठाएंगे, इसको सिलाई पे चढ़ाएंगे और इसे सीधा बुन लेंगे। फिर उल्टा वाला फंदा, उसे भी सीधा बुन लेंगे। तो हमने देखिए एक फंदे से 2 फंदा बढ़ाया, बना लिया और यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। फिर हम फंदे सीधा बुनना शुरू करेंगे और
कुछ दूर बुनने के बाद अब देखिए यहाँ पे फिर हम इस फंदे में से ऐसे नीचे वाला ये पार्ट उठाएंगे और इसको सिलाई पे ऐसे चढ़ा के इसे सीधा बुन लेंगे, फिर उल्टे फंदे को भी सीधा बुन लेंगे, तो हमारा दूसरा फंदा भी बढ़ गया। फिर हम थोड़े फंदे बुनेंगे और फिर ये उल्टे वाले फंदे का ये सिरा उठाएंगे, इस पर ऐसे चढ़ाएंगे और इसे सीधा बुन लेंगे और फिर उल्टे फंदे को भी सीधा, तो ये हमारा तीसरा फंदा भी बढ़ गया। फिर कुछ फंदे हम ऐसे बुनेंगे, यदि आपको सीधे वाले फंदे में बढ़ाना हो तो भी आप ऐसे नीचे से इसको उठाएंगे और इस पे चढ़ाएंगे और देखिए इन दोनों को सीधा बुनेंगे, हमारे एक से दो फंदे हो गए। तो ऐसे ही करके हम 11 फंदे बढ़ा लेंगे, तो 11 फंदे बढ़ा के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 9वें और 10वें फंदे में फंदे बढ़ाते हुए मैंने 11 फंदे बढ़ा लिए हैं, मैंने इसमें 11 फंदे बढ़ा लिए हैं और अब इसकी संख्या हो गई है 111। और रॉन्ग साइड से हम सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। तो अब हम फिर उल्टा बुनते हुए, पीछे से उल्टा बुनते हुए हम सामने की तरफ आ गए हैं, क्योंकि इसमें मैंने 11 फंदे डाले हैं, यानी कि ये फ्रंट वाला पार्ट है। तो ये बिगनर्स स्पेशल है, इसलिए डिज़ाइन भी बहुत ही आसान डालेंगे हम। तो इसके लिए पहला फंदा एज स्टिच है, इसे स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदा सीधा बुनेंगे और तीसरे फंदे को स्लिप कर लेंगे, दो फंदा सीधा और तीसरे को स्लिप करेंगे, दो फंदा सीधा तीसरे को स्लिप करेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं तीन फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, दो फंदा सीधा और तीसरा फंदा स्लिप करना है, दो फंदा सीधा और तीसरा फंदा स्लिप करना है। तो इन्हीं तीन फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, दो फंदा सीधा तीसरा स्लिप करना है, दो फंदा सीधा और तीसरा स्लिप करना है। तो मैं लाइन पूरा करके दिखाती हूँ, दो फंदा सीधा और तीसरा स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली गई है। अब रॉन्ग साइड से जो फंदा हमने बुना है उसे उल्टा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, तो दो फंदा उल्टा और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, दो फंदा उल्टा और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे। तो दो फंदा उल्टा बुनते हुए स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब डिज़ाइन का तीसरा लाइन और सामने से, तो पहला फंदा एज स्टिच है, इसे सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे, अब उन अपनी ओर करेंगे और जो दो फंदे हमने सीधे बुने थे अब की उन्हें उल्टा बुन लेंगे। तो फंदा उल्टा बुन लिया, अब उन दूसरी ओर किया और ये फंदा जो हमने स्लिप किया था उसे हम सीधा बुनेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो उल्टे फंदे जो हमने सीधा बुने थे उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और ये स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे हम सीधा, यानी दो फंदा उल्टा और तीसरा फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा और तीसरा फंदा सीधा। तो इन्हीं तीन फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, दो फंदा उल्टा बुनना है और तीसरे फंदे को सीधा, दो फंदा उल्टा और ये स्लिप किया हुआ फंदा, ये तीसरा फंदा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे।
इन्हीं तीन फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दो फंदा उल्टा बुनते हुए और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करते सीधा बुनते हुए, दो फंदा उल्टा और स्लिप किए हुए फंदे को सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली गई है। अब रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। तो ये चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदे उल्टे बुनते हुए चौथी लाइन कंप्लीट कर ली गई है। अब ये डिज़ाइन का पांचवा लाइन है और सामने से है। तो डिज़ाइन, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। पहले हमने दो फंदा सीधा बुना था, अब की एक फंदा सीधा बुनेंगे और दूसरे वाले फंदे को स्लिप करेंगे। जो हमने फंदा स्लिप किया था उसके पहले वाले फंदे को हमें स्लिप करना है, फिर अगला दो फंदा हमें सीधा बुनना है। डिज़ाइन एक फंदा आगे आ गया है। तो दो फंदा सीधा बुनने के बाद तीसरा फंदा स्लिप करेंगे, फिर दो फंदा सीधा, तीसरा फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदा सीधा और तीसरा फंदा स्लिप करेंगे। तो दो फंदा सीधा बुनते हुए और तीसरे फंदा स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिजाइन एक फंदा आगे आ गया है। पिछली लाइन में जिसे हमने स्लिप किया था, अब की उसके पहले वाला फंदा हमें स्लिप करना है। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। छठा लाइन और रॉन्ग साइड, तो स्लिप किए हुए फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और बुने हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे और बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे, यानी दो फंदा उल्टा और तीसरा फंदा स्लिप करेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे और बुने हुए फंदे को उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सातवीं लाइन और सामने से, तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे और ये स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे हम सीधा बुन देंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, ये दो सीधे बुने हुए फंदे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। उन दूसरी ओर करेंगे और ये फंदा स्लिप किया गया था तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो दो फंदा उल्टा और तीसरा फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा और तीसरा फंदा सीधा। आठवां लाइन और रॉन्ग साइड, सभी फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन बनके तैयार है। चार लाइन का डिज़ाइन है, पांचवे लाइन में डिज़ाइन एक फंदा आगे आ जा रहा है।
तो देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन बनके तैयार है। चार लाइन का रिपीटेड डिजाइन है और पांचवें लाइन में डिजाइन एक फंदा आगे बढ़ जा रहा है। तो सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो हम डिज़ाइन बनाते हुए 16 से 17 इंच तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ से बॉर्डर से लेके 16 से 17 इंच तक कंप्लीट करेंगे और इतना कंप्लीट होने के बाद हम इसमें मुड्ढे घटाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम 16 से 17 इंच कंप्लीट होने पर फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।